नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। चलिए आज हम लोगों का टॉपिक है आदिकाल। कल हम लोगों ने साहित्य के बारे में देखा और आज हम लोग आदिकाल के बारे में देखेंगे। आदिकाल हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है वह आदिकाल है। यह संवत 1050 से 1375 विक्रमी, यानी 1050 से 1375 विक्रमी संवत माना जाता है। अब देखिए, अगर हम आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल में सबसे पहली जो बात आती है वह आती है नामकरण की बात, यानी आदिकाल का नामकरण कैसे किया गया। देखिए, आदिकाल का जो नामकरण किया गया इसको अनेक विद्वानों ने किया और अनेक ढंग से किया, यानी किसी ने वहां पर ग्रंथ के माध्यम से उसका नामकरण कर दिया, किसी ने कवियों के माध्यम से नामकरण कर दिया, किसी ने राजाओं के माध्यम से कर दिया, किसी ने देश काल के माध्यम से कर दिया, यानी अनेक स्थितियों पर अनेक नामकरण इसके किए गए। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण की बात आती है तो एक तरफ हम लिखते हैं नाम, दूसरी तरफ कर्ता, यानी इसका नामकरण कर्ता कौन कौन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चारण काल। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया तो आपका सीधा आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। फिर आपसे पूछता है आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा। जब आपसे पूछेगा आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा तो आपका सीधा आंसर होगा आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा। यह मिश्र बंधु के लिए मिलते हैं। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो साहित्य का इतिहास लिखा था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इतिहास लिखा था उसका था, उसका इतिहास का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक। और जो मिश्र बंधु ने लिखा उसका नाम क्या था, मिश्र बंधु, इसका नाम था मिश्र बंधु, ठीक। अब चलिए, फिर आपसे पूछता है प्रारंभिक काल। देखिए, आरंभिक काल है और यह है प्रारंभिक काल, दोनों में अंतर। आरंभिक काल जब पूछेगा तो उसके कौन हो जाएंगे, मिश्र बंधु हो जाएंगे। जब प्रारंभिक काल पूछेगा तो कौन से हो जाएंगे आपके, गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त। फिर आपसे पूछेगा बीज वपन काल। जब बीज वपन काल की बात करेगा तो बीज वपन काल, यानी ऐसे पूछेगा कि आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया तो आप सीधा बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी।
आचार्य महावीर प्रताप द्विवेदी ने आदि काल को बीज वपन काल नाम दिया। ठीक, कभी कभी आपसे ऐसे पूछता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को कौन सा नाम दिया, तो इसमें से चार ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको क्या लगाना है, बीज वपन। फिर आपसे पूछेगा कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, यानी आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम। फिर आपसे पूछेगा, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, फिर आपसे पूछेगा कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, वीर गाथा काल। जब आपसे पूछेगा आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। फिर आपसे पूछ, देखिए आदिकाल नाम एक ही है, समय एक ही है, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामकरण किया। फिर पूछेगा आदिकाल को वीर काल किसने कहा, आदिकाल को वीर काल किसने कहा। जब आपसे पूछेगा आदिकाल को वीर काल किसने कहा, तो आपका तुरंत उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने आदिकाल को वीर काल नाम दिया। देखिए यहां पर केवल गाथा लगा हुआ है, इन्होंने वीर गाथा काल कहा और इन्होंने केवल क्या कहा, वीर काल, यानी आदिकाल को वीर काल किसने कहा, तो आचार्य विश्वनाथ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, पूछेगा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया, सिद्ध सामंत। जब आपसे पूछेगा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया, तो आपका उत्तर होगा पंडित राहुल सांकृत्यायन, यानी पंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम। फिर देखिए आपसे पूछेगा कि आदिकाल को संधि एवं चारण काल, यानी आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को सिद्ध एवं चारण का, संधि एवं चारण काल नाम दिया। यानी हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग विद्वान आते गए और अलग अलग नाम आदिकाल का देते गए। ठीक, ये रही आदिकाल के नामकरण की बात, अभी आपको अनेकों अनेक विद्वान मिलेंगे जो आते गए, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, आपके इसी में से पूछा जाएगा। ठीक, चलिए, हाँ टेट सीटेट सुपर टेट आदमी इससे ज्यादा कहीं से पूछता नहीं है, वो भी मैं इतना बृहद पढ़ा रहा हूँ। ठीक, चलिए, तो ये क्या हो गया, आपका नामकरण हो गया। अब इसके बाद, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आदिकाल की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे चलते हैं, आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचनाएं, देखिए आदिकाल की कुछ ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिसमें आपको सुन के अजीब लगेगा कि अरे कैसा नामकरण हो सकता है इसका। ठीक, यानी इसमें रचना और नाम में कोई अंतर ही नहीं दिखता है। जैसे आप एक रचना लीजिए दलपति विजय, अब देखने में लग रहा है कि ये रचनाकार है या रचना है। ये देखिए रचनाकार, नाम भी देते रचना, लेकिन रचनाकार और एक तरफ हो जाएंगी रचना है। हमने आपको बताया दलपत विजय, सबसे पहले दलपति विजय ये रचनाकार है आदिकाल के, आदिकाल के रचनाकार है दलपति विजय। इन्होंने लिखा कुमार रासो, कुमार रासो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दलपत विजय की रचना का नाम, तो आप क्या बताएंगे? कुमार रासो। ठीक, इसके बाद नरपतिनाल, नरपति कहीं कहीं नल देता है कहीं कहीं नाल देता है। इन्होंने लिखा बीसल देवरासो, बीसल देव रास्तो। अगर आपसे पूछता है कि नरपति नाल की रचना का नाम बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे बीसल देव रासो। फिर आपसे पूछता है सारंगधर, आपसे पूछेगा कि हमीर रासो के रचनाकार बताइए, तो हमीर रासो के रचनाकार हो जाएंगे सारंगधर, यानी सारंगधर। हमीर रासो के रचनाकार आपके हो जाएंगे सारंगधर। इसके बाद फिर पूछता है कि जगनिक, जगनिक का देख लेते हैं। जगनिक बहुत प्रसिद्ध रचना है, सावन के महीने में आने वाले सावन के महीने में आप लोग क्या करते हैं, गाते भी हैं, आल्हा जिसे कहते हैं जगनिक। इनकी रचना का नाम परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो को ही कहते हैं आप आल्हा खंड, आल्हा खंड या परमाल रासो। ठीक, इसके बाद आपसे पूछेगा पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई का देख लेते हैं, चंद्र बरदाई इनका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अगर आपसे पूछेगा पृथ्वीराज रासो के रचनाकार, तो आप बताएंगे चंद्र बरदाई। इसके बाद आपसे पूछेगा भट्ट केदार, भट्ट केदार, इनकी रचना का नाम है जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश। फिर आपको मिलेंगे मधुकर कवि, मधुकर इनका हो जाएगा जय मयंक चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका, अगर आपसे पूछता है जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है, तो आप सीधा बताएंगे वह किसका है, मधुकर कवि की रचना है। ठीक,
देखिए ये हो गया। आपसे फिर पूछेगा नजर ए हिंद अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अगर अमीर खुसरो की रचना पूछता है तो इनकी रचना का नाम क्या है? नजर ए हिंद। नजर ए हिंद, ठीक। नजर ए हिंद किसका किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो का। फिर आपसे एक और रचनाकार का नाम पूछता है, विद्यापदावली। इन्हीं की रचना है विद्यापद पदावली। फिर इन्हीं की रचना है कीर्ति लता कीर्ति पताका। कीर्ति लता ने कीर्ति लता कीर्ति लता कीर्ति। फिर आपसे एक और रचनाकार पूछता है, रचनाकार का नाम पूछता है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान की बात करेगा तो इनकी रचना है संदेश रासक। संदेश रासक, तो संदेश रासक जो है इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी संदेश रासक जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम भी है। संदेश रासक में होता क्या है कि इसमें एक नायिका है, उसका जो प्रेमी होता है पति होता है, प्रेमी आप पति भी आप कह सकते हैं, वो क्या करता है कि एक विदेश विदेश में चला जाता है पैसा कमाने के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन विदेश में जब वह धन को इकट्ठा करने के लिए जाता है तो नायिका बहुत ज्यादा व्याकुल होती है और यह क्या करती है, एक पथिक को रोकती है और कुछ संदेश कहती है, और वह संदेश कहते कहते 12 महीने बीत जाता है। यानी एक दो नहीं 12 महीने बीत जाता है, और जैसे ही संदेश खत्म होता है उधर से उसका पति आता हुआ, इसलिए इस रचना का नाम ही क्या है, संदेश। चलिए एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिएगा। अगर दलपत विजय ये रचनाकार है, इनकी रचना का नाम कुमार रासो, नरपति नाल की रचना का नाम बिसल देव रासो, सारंगधर हमीर रासो, जगनिक परमाल रासो, ठीक। इसके बाद चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, भट्ट केदार जयचंद प्रकाश, मधुकर कवि का जय जस चंद्रिका, अमीर खुसरो नजर ए हिंद, विद्यापति का पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। एक चीज, अगर आप जौनपुर से हैं, जहां से आपकी कोचिंग का प्रसारण होता है, जहां से आपकी स्टूडियो चलती है कोचिंग की ना, यानी कोचिंग की जन्मभूमि जो है वो भी आप जान लीजिए। जन्मभूमि का वर्णन इसमें है, यानी जौनपुर के गोमती नदी का वर्णन किस किस ग्रंथ में मिलता है आदिकाल के, तो कीर्ति लता में मिलता है। राजा कीर्ति सिंह आते हैं जौनपुर और वही विद्यापति क्या करते हैं, उनकी रचनाओं का वर्णन करते हैं। फिर अब्दुल रहमान का आपने पढ़ा संदेश रासक, ठीक। ये आदिकाल की कुछ इंपॉर्टेंट रचना है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट हो सीटेट हो सुपरटेट, ठीक। चलिए इत्यादि वनडे एग्जाम में भी यहां से रचनाएं हो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में हम जान लेते हैं। चलिए एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, कहते हैं पहला पहला सर्वप्रथम सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, एक नाम मिलते विद्वान का नाम है चंद्र शर्मा गुलेरी। तो कहते हैं सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को
उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? दूसरा महत्वपूर्ण तत्व, स्वयंभू को, स्वयंभू की रचना पौंड चरिव है, ठीक, स्वयंभू को, या आपसे पूछता नहीं है, जानने के लिए आप जानते रहे, स्वयंभू की रचना पौंड चरिव है, ठीक, स्वयंभू को अपभ्रंश का, अपभ्रंश का वाल्मीकि अपभ्रंश का वाल्मीकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा? इन्हीं आदिकाल का प्रथम कवि मानते हैं। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा और आदिकाल का प्रथम कवि किसको मानते हैं? स्वयंभू को ही मानते हैं। लेकिन तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य, सर्वमत से विद्वानों ने, सर्वमत से विद्वानों ने सिद्ध सराहपा को, सिद्ध सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सर्वमत से विद्वानों ने सिद्ध सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना, ठीक। दूसरी चीज, चौथा महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिएगा, विद्यापति को विद्यापति मैथिल भाषा का कोकिल कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछता है मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है, तो विद्यापति जी को कहा जाता है। फिर आपसे पूछेगा पांचवा महत्वपूर्ण तत्व, अमीर खुसरो को अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है, तोता ए हिंद या तोतीय हिंद, तोती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये पांच महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। पुनः देखिए, परमाल रासों को आल्हा खंड, परमाल रासों को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है।
परमाल रासों को आलाखंड के नाम से जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद वाटर फील्ड ने किया। अगर आपसे पूछता है कि आलाखंड का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया तो आप तुरंत बताएंगे वाटर। चलिए, तो ये रहे आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, अब अगली वीडियो में हम लोग भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति काल का जो टॉपिक होगा वह आदिकाल से बड़ा होगा। चलिए आज इतना ही, आज के लिए हम बस करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।